बुधवार को आए आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने से 73 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत सहायता पहुंचाने के दिए निर्देश। जनहानि रोकने के लिए रेलवे और राहत आयुक्त समेत सभी जिला मजिस्ट्रेटों को भेजी गई सूचना। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में फिल्म जगत के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किए गए प्रदान। विनोद खन्ना को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध, दलितों के संरक्षण के लिए भी सरकार ने किए हैं अतिरिक्त प्रावधान। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के मौसम विभाग में आने वाले 48 घंटे में मौसम का अनुमान जारी करते हुए बताया कि उत्तरी इलाकों में धूल भरी आंधियों और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। जनहानि रोकने के लिए तथा किसी भी समस्या से बचने के लिए रेलवे और राहत आयुक्त समेत सभी जिला मजिस्ट्रेट को सूचना भेजी गई है। कल आए आंधी तूफान, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि से प्रदेश में 73 लोगों की मौत हो गई जबकि 91 लोग घायल हैं। 134 पशु हानि हुई है। सबसे अधिक जन और पशु हानि आगरा में हुई, यहां 43 लोगों की मौत हुई है। इसके अतिरिक्त बिजनौर में 3, बरेली में 1, सहारनपुर में 2, पीलीभीत में 1 जनहानि हुई है। प्रभावित परिवारों को सहायता राशि प्रदान किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने बताया है कि अधिकांश जनपदों में सहायता राशि आवंटित कर दी गई थी। जिलाधिकारी आगरा को उनकी मांग पर 3 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। राज्य आपदा मोचक निधि के मानकों के अनुसार प्रत्येक मृत के परिजनों को 4 लाख रुपए, पशु हानि के लिए अधिकतम 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मकान क्षति एवं फसल क्षति का वास्तविक आकलन करने के लिए जिलाधिकारियों को 4 मई शाम 6 बजे तक का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी को आंधी तूफान से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं तथा संबंधित जिलाधिकारियों से आकलन प्रस्तुत करने तथा प्रभावितों को अविलंब मुआवजा देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहत कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम विभाग ने चक्रवाती हवाओं के कारण अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में फिर से तेज बारिश होने और आंधी तूफान आने की चेतावनी जारी की है। कल शाम को 7 बजे से सहारनपुर, मेरठ मंडल, आगरा, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल में काफ़ी तेज हवाएं और आंधी की स्थिति आई। कई जगह छीटा छाटी हल्की बारिश भी हुई और इससे जान मान और पशु हानि काफ़ी हुई है। हमने सभी कलेक्टर्स को और कमिश्नर साहब से अनुरोध किया है कि जो राहत वितरण का जो कार्यक्रम है वो टॉप प्रायोरिटी पे किया जाए। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि 24 घंटे के अंदर हम सभी लोगों को जो डेथ के केसेस हैं, जो इंजर्ड हैं या जो पशु हानि के जो केसेस हैं, उन सब में उनको मुआवजा उन तक पहुंचा दिया जाए, वितरित कर दिया जाए। इसके अलावा जो लोग चोटिल हैं उनका समुचित इलाज हो, किसी प्रकार की शिथिलता ना हो। SDM, ADM और जहाँ गंभीर समस्या है वहाँ कलेक्टर साहबान खुद जा करके सारी चीज़ सुपरवाइज करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में आंधी तूफान से हुई मौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में आंधी तूफान के कारण हुई जानमाल की हानि से मैं दुखी हूं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करें और उन लोगों की सहायता करें जो प्रभावित हुए हैं। जनजाति निवारण कानून, केंद्र ने अनुसूचित जाति जनजाति कानून के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने और इस मामले को बड़ी पीठ को भेजने का अनुरोध किया है। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत में यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के संबंध में ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकता जो उसके खिलाफ हो। न्यायमूर्ति AK गोयल और न्यायमूर्ति UU ललित की पीठ ने इस पर कहा कि न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों का पूरी तरह संरक्षण करने और उनके खिलाफ अत्याचार करने वालों को दंडित करने के लिए है। इस मामले में याचिकाकर्ता के अन्य पक्षों की सुनवाई के लिए 16 तारीख निर्धारित की गई है। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में कल फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। विभिन्न श्रेणियों में दिए गए पुरस्कारों में इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार असमिया फिल्म विलेज रॉकस्टार को दिया गया। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना को सम्मानित किया गया।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मरणोपरांत फिल्म माम के लिए दिया गया। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हर साल ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न श्रेणियों में दिए गए पुरस्कारों में इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार असमिया फिल्म विलेज रॉकस्टार को दिया गया। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना को सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार श्रीदेवी को मरणोपरांत फिल्म मॉम के लिए दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए रिद्धि सेन बंगाली फिल्म नगर कीर्तन के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म न्यूटन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुना गया और इस फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी को विशेष उल्लेख का पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध संगीतकार एआर रहमान को इस बार दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इन्हें प्रदान किए जाते हैं दो रजत का। बहुचर्चित फिल्म बाहुबली 2 को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस बार क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का बोलबाला रहा है। इस बार इन पुरस्कृत फिल्मों से अब यह निश्चित हो चला है कि दर्शकों और सिनेमा के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाने में भाषा भी आड़े नहीं आ सकती है। इस मौके पर बोलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सिनेमा समाज को जोड़ने का काम करता है। सिनेमा कनेक्ट्स सोसाइटीज एंड द फिल्म इंडस्ट्री टू इज इंक्रीजिंगली ग्लोबल इन इट्स कोलैबोरेशन। अ फिल्म मे बी प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एक्चुअली शॉट इन ए सेकेंड कंट्री एंड आउटसोर्स पोस्ट प्रोडक्शन एंड एनिमेशन वर्क टू ए थर्ड कंट्री। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बट इट नीड्स टू क्लाइंब अप द वैल्यू चेन। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 21 से ज्यादा महिलाओं को सम्मान करते हुए गर्व का एहसास हो रहा है। आज विशेष रूप से इस मंच पर 21 से ज्यादा महिलाओं का सम्मान करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित पाती हूं। सम्मान एक ऐसी महिला का भी हुआ जो अब हमारे बीच में नहीं है, जिन्हें शायद पहली बार इस राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जा रहा है। और किसने सोचा था कि एक दिन ये सम्मान मरणोपरांत उन्हें प्राप्त होगा। पुरस्कार पाने वाले कलाकारों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। वेरी हम्बलिंग फॉर मी एज ए सन टू बी रिसीविंग इट ऑन हिज बिहाफ एंड इट्स अ वेरी प्राउड एंड इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। यह अवार्ड का वो मुकाम है जैसे एक इंडियन एक हिंदुस्तानी को क्या चाहिए। इट्स लाइक ऑस्कर, ऑस्कर से बड़ा अवार्ड है ये। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से पुरस्कृत फिल्में भारतीय समाज का आईना होती हैं। साथ ही असम, लक्षद्वीप जैसे छोटे राज्यों से आई फिल्मों ने भी इस बार राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। फिल्म पुरस्कार से जुड़ी खबर के बाद अब बात करते हैं रामविलास पासवान की। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और यही कारण है कि कैबिनेट ने गन्ना किसानों को 5.5 रूपये प्रति किलो की सहायता राशि की घोषणा की है। जो बाहर में जो विदेश में जो प्राइस है वो है 22 से लेकर के क्या कहते हैं कि 24 तक, तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं जबकि एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज है। तो इस दृष्टिकोण से उनका है कि भाई हमारे पास में जब हम घाटा में चल रहे हैं तो हम किसान को कहां से पैसा देंगे। तो हम लोगों ने जो है गन्ना किसान का जो है पर क्विंटल जो है गन्ना के ऊपर में जो है 5.50 रूपये जो है हम लोगों ने रखा है उसमें क्या कहते हैं कि उनको दिया जाएगा। और ये कहा कि 20 लाख टन कम से कम जो है चीनी बाहर भेजा जाए, एक्सपोर्ट किया जाए और वो 20 लाख टन में जो है जिस मिल की जितनी कैपेसिटी होगी उसी के मुताबिक उसके मुताबिक निर्धारित किया जाएगा। तो उसमें हमारा जो मेन टारगेट है जो हम दे रहे हैं पैसा देंगे वो मिल मालिक को नहीं दे रहे हैं, मिल मालिक के माध्यम से वो सीधे किसान का जो है वो खाता में क्या कहते हैं कि चला जाएगा। कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में कहा कि मोदी सरकार ने दलितों के संरक्षण के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए हैं जबकि कुछ लोग दलितों के मामले में भ्रम फैला रहे हैं। देखिए भ्रम का जो है लोग फैलाने वाले भ्रम की स्थिति एक प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है तो कोई आज का तो नहीं है, नहीं कांग्रेस के जमाने से रुका हुआ है। हम लोगों ने तिक्का दिया है कि ऐसा प्रमोशन में रिजर्वेशन के संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि प्रमोशन में रिजर्वेशन ठीक है लेकिन पिछड़ापन उसका जगह तो है कि प्रतिनिधित्व और एफिशिएंसी जो है होनी चाहिए, तो ये तीनों शेड्यूल कास्ट के ऊपर में लागू नहीं होता है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जगह कहते हैं कि जो है जा रहे हैं, अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आप जाइए और वहां जाकर के आप कहिए कि साहब ये इनके ऊपर में लागू नहीं होता है, इसलिए प्रमोशन और रिजर्वेशन जो है जैसे चलता था चलने दीजिए। वो नागराज का केस, नागराज के कारण जो है केस में जो उन्होंने कहा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो ये जजमेंट दिया, फिर नहीं मानेगा तो फिर हम लोग ऑर्डिनेंस लाएंगे। उसी तरीके से सिविल कास्ट और ट्राइब्स प्रिवेंशन एक्ट है, एट्रोसिटीज जो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट अत्याचार निवारण कानून है, तो उसमें भी मान लेते हैं कि जो हमने बीपी सिंह जी के समय में बनाया था, फिर जब मोदी जी की सरकार अभी बनी है उसको और मजबूत किया गया, पहले से 22 पॉइंट था अब 47 पॉइंट किया गया। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री उमा भारती इलाहाबाद के एलओपी बाग शंकराचार्य वासुदेवानंद महाराज के आश्रम पहुंची। उन्होंने भगवान शिव की पूजा वैदिक रीति रिवाज से की। उन्होंने मंदिर में आरती की, उसके बाद मंच के माध्यम से कार्यक्रम में आए हुए गंगा के श्रद्धालुजनों को संबोधित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं और नौजवान उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कई सालों के बाद तीर्थराज प्रयाग संगम नगरी में अपना जन्मदिन बड़े सादे तरीके से मनाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनाएगी, कांग्रेस का वजूद वहां खत्म होगा। मैंने 2013 में पत्रकार वार्ता में ये बात कही थी इलाहाबाद के कुंभ के आखिरी स्नान के बाद कि गंगा के जागरण का काम जारी रहेगा और करूंगी, और इसलिए आज वही बात याद आई और यहाँ पर 6 साल बाद फिर से वापस लौटी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। देखिए अब कांग्रेस के दिन चले गए, ये कांग्रेस को एक हार्ड रियलिटी है जो स्वीकार करनी पड़ेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के जमाने से जो परिश्रम किया था उसका प्रतिफल का समय आ गया है। अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संगठनों में काम किया, मजदूर क्षेत्र में काम किया, विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम किया, वनवासियों के क्षेत्र में काम किया, उस सबका पूंजीभूत फल है कि हम त्रिपुरा में भी सरकार बना रहे हैं, हम असम में भी सरकार बना रहे हैं, हम कर्नाटक में भी बना लेंगे। वाराणसी के हरीशचंद्र घाट पर विद्युत शवदाह गृह को गैस शवदाह गृह के रूप में बनाए जाने के लिए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गैस द्वारा शवदाह करने पर प्रदूषण में कमी आएगी और गंगा जल प्रदूषित नहीं होगा। शवदाह गृह से निकलने वाले धुएं से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। 1 से 1.5 घंटे में शवदाह की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्व बाजार में तेल के दाम बढ़ने से यहां भी दाम बढ़ जाते हैं और कम होने पर कम कर दिए जाते हैं। वाराणसी को जल्द ही सीएनजी गैस की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन भी पेट्रोलियम मंत्री ने दिया। ऊर्जा गंगा की नींव रखी थी, वो शुभ घड़ी थोड़े दिन में आ जाएगी, चंद दिन बचा है। मैं आज यहाँ ऊर्जा गंगा की पूरा तैयारी देखने के लिए आया था। हमारी गैस सीएनजी पीएनजी इस ऐतिहासिक बाबा की नगरी में पहुंच चुकी है, हम लोग घर तक पहुंचा चुके हैं। मैं यहाँ आया था एक सीएनजी स्टेशन देखने के लिए। इस 50 साल की पुरानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की माथुर साहब की आरओ पे सीएनजी भी लग चुकी है। हरिश्चंद्र घाट में स्मशान का भी सीएनजी से चलना प्रस्तुति हो गया है। और अब बात हाईकोर्ट के फैसले की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन शिक्षा मित्रों को शामिल करने का आदेश दिया है जिन्हें पूर्व में काउंसलिंग का अवसर दिया गया था। यह आदेश राजू प्रसाद पटेल व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया। इन शिक्षा मित्रों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने काउंसलिंग में शामिल करने से इनकार कर दिया था। याचिका अधिवक्ता का कहना था कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए याचिकागण ने आवेदन किया था, उस समय उनका सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो गया। चूंकि याची उस समय मौलिक पद पर समायोजित हो चुके थे इसलिए उन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया। अब याचिकागणों का समायोजन रद्द हो चुका है। शीर्ष कोर्ट ने याचिकागण को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश जारी किया है। स्वच्छता को लेकर जहां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, वहीं मुरादाबाद के नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिसके कारण लोग वहां जाने से कतराते हैं।
जगह जगह शौचालय को निर्माण करा तो करा दिया गया है, लेकिन वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं रखी गई है, ना ही वहाँ पे आस पास पानी की कोई व्यवस्था है। अगर मूत्रालयों में कोई व्यक्ति अगर टॉयलेट के लिए जाता है तो कंटिन्यू उसमें पानी चलना चाहिए या फ्लैश की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो वहाँ से टॉयलेट जो वो बह जाए, गंदगी न रहे। गंदगी इतनी ज्यादा गंदगी है कि वहाँ पर सफाई नहीं होती। अगर कंटिन्यू रोज उस पर सफाई होने लगे तब भी व्यक्ति उसमें जाना शुरू कर दे। इसके अलावा तकरीबन 45 हमारे यहाँ मूत्रालय भी हैं, जिसमें से 15 मूत्रालय अभी नए हमारे यहाँ बनाए हैं और 6 हमने पब्लिक टॉयलेट्स नए बनाए हैं और 5 सामुदायिक शौचालय हमने नए बनाए हैं। इस प्रकार से महानगर में कमोबेश सभी क्षेत्रों में शौचालय करीब करीब पूर्ण है। जो और जो यूरिनल्स हैं हमारे, उनकी सफाई की व्यवस्था जो है हमने सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को दी हुई है। उस क्षेत्र का जो सफाई कर्मचारी है उस यूरिनलों को साफ करता है। साईं मंदिर के सामने तो अभी हमने नया मूत्रालय बनाया है, तो उसकी सफाई की व्यवस्था तो बाकायदा की जा रही है और वहाँ पर एक शौचालय भी हमारा बना है, तो उस शौचालय के जो संचालक हैं उनको भी मैंने निर्देश दिया है कि वो उसकी सफाई व्यवस्था रखें। जिस तरह स्वच्छता को लेकर सरकार प्रयासरत है, उसी तरह पर्यटन को लेकर भी सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है और प्रयासरत है। बुंदेलखंड के टूरिस्ट सर्किट को जोड़ने के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की टीम ने कल ललितपुर का दौरा किया। पर्यटन मंत्रालय की टीम ने टूरिस्ट स्थलों की जानकारी ली, संरक्षित किए गए पर्यटन स्थलों को पुरातत्व विभाग के साथ चर्चा कर पर्यटकों को वहां तक पहुंचने के लिए कैसे व्यवस्था की जाए इसकी संभावनाएं भी तलाशी गईं। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग के साथ बैठकर पर्यटन मंत्रालय ललितपुर में जैन सर्किट, बुद्ध टूरिस्ट सर्किट और खजुराहो और दिल्ली को सीधे कनेक्ट करने की संभावनाओं पर काम कर रहा है। बुंदेलखंड जैसे पिछड़ी जगहों में भी पर्यटन के कई केंद्र हैं, जिनको सूचीबद्ध करके यहां पर्यटकों को रुकने लायक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे खजुराहो से लौटते हुए लोग ललितपुर देवगढ़ में भी रुकते हुए आगे जाएं। हम लोगों ने डिसाइड किया और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़े, और इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट, ASI और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ आज मीटिंग करी है और उसमें हम लोगों ने समझा है कि यहाँ पे क्या क्या पोटेंशियल है जैन टूरिज्म का, सर्किट टूरिज्म का, मॉन्यूमेंट्स को आगे प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, उसको खजुराहो के साथ कनेक्ट करने के लिए, दिल्ली से इनबाउंड टूरिस्ट को यहाँ पे लाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसमें हम लोग एज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से एडॉप्टर हेरिटेज में इंडस्ट्री को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे, तो यहाँ पे तो अथाह संभावनाएं हैं और हम लोग आपको, मतलब आज मैं ये अश्योर करना चाहती हूँ ललितपुर के वासियों को कि हम लोग जरूर इसको आगे प्रमोट करेंगे टूरिज्म। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना के तहत इलाहाबाद में युवाओं को व्यवसायिक और तकनीकी कौशल विकास शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को फ्री में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को हुनरमंद बनाना है, जिससे वो खुद का रोजगार स्थापित कर सकें। प्रशिक्षण के बाद इन लोगों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हमने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे फ्लैट में। यहाँ से बच्चों को प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी पढ़ाई जा रही है। 2-2 घंटे का प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, कोई भी चार्जेस नहीं है वहाँ पे बैठ के पढ़ाई। गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, वहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई करती हैं। गर्ल्स आगे बैठती हैं, बॉयज़ पीछे बैठते हैं। उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है और यहाँ से बुक प्रोवाइड की जाती है, आई कार्ड है, बैग दिया जाता है बच्चों को, और कंटिन्यू बायोमेट्रिक अटेंडेंस अपने पास है। ये 4 बैच पढ़ के पास आउट हो चुके हैं, जैसे पास आउट पूरा 86 बच्चे अपने यहाँ से गए। प्रशिक्षण लेने वाले युवक और युवतियों ने कहा कि ये प्रशिक्षण हमारे लिए कारगर सिद्ध हो रहा है और इस ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। युवा और युवतियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और अपने पैरों पर खड़ा होने में ये सब मदद करेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से हमने बहुत कुछ सीखा है, और अगर हमें आगे चल के कोई नौकरी नहीं मिलती है तो हमें इतनी नॉलेज तो हो ही गई है कि हम आगे चल के, मतलब हम अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लोगों को, मतलब जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है हम उन्हें अपने बिजनेस में अपने साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारे परिस्थिति के हिसाब से ये जो हमारे हम लोग बजट के हिसाब से हम लोग नहीं कर पाते थे, प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया, हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमारे लिए आगे चल के बहुत नॉलेज भी आएंगे और जिससे हम कुछ कर सकेंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है।
कौशल विकास योजना से हमें ये लाभ है कि अगर हमारे पास बजट नहीं है तो भी ये मतलब ये इससे हम अपना कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, और आगे अगर हमारे पास कोई रोजगार नहीं है तो इससे जो भी हम लोग को सीखे हुए हैं उससे हम अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मथुरा में प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप 27 आदर्श विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित किया जाएगा। वहीं 100 स्कूलों में संसाधन बढ़ाकर बेहतर शिक्षा देने के लिए तैयार किया जाएगा। कक्षा 2 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें दी जाएंगी तथा इन स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हेतु अध्यापकों की नियुक्ति भी कराई जाएगी। मान में हमारे 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान संपादित कराया जा रहा है, जिसमें नामांकन पर विशेष जोर है और प्रत्येक विद्यालय से, प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर से, ब्लॉक स्तर से और जनपद स्तर से भी रैलियां निकाल के सभी को जागरूक किया जा रहा है कि अपने बच्चों को दाखिला दिलाएं और साथ साथ अपने जो बच्चे हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं उनको विद्यालय प्रतिदिन भेजें, जिससे कि उनको शिक्षा दी जा सके। हम लोग जो पर्षदी विद्यालय और हमारे सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हम उपलब्ध करा रहे हैं। सभी बच्चों को 2 सेट हम ड्रेस उपलब्ध करा रहे हैं। जाड़े के लिए हम एक स्वेटर उपलब्ध करा रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय बच्चों को के लिए हम जूता मोजे की व्यवस्था कर रखे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कल अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के स्तर को बढ़ाने को लेकर बजट के प्रावधान और इन योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों के विकास किए जाने के फैसले का मुस्लिमों ने स्वागत किया है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने स्वागत करते हुए कहा कि एक अच्छा कदम है, लेकिन सरकार योजना को अमली जामा पहनाने का भी इंतजाम करे। वहीं मौलाना मुश्ताक ने कहा कि सरकार का यह कदम सराहनीय है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार को काम करना चाहिए। वहीं सुफियान निजामी ने कहा कि इस स्कीम के लागू होने से अल्पसंख्यकों के बीच विश्वास पैदा होगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि फैसले पर सरकार मजबूती के साथ निगरानी भी करे। कौशल विकास के लिए जो माइनॉरिटीज के लिए नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं और उसका हम लोग वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर जिन लोगों के लिए स्कीम है उनको उसका फ़ायदा पहुंच जाए और ख़ासकर रोज़गार के मैदान में और तालीम के मैदान में माइनॉरिटीज़ के लिए और खसूसन मुसलमानों के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से बजट माइनॉरिटीज़ के लिए बढ़ाया गया है रिसेंटली, उससे ये उम्मीद जाहिर हुई है कि कुछ मुसलमान माइनॉरिटीज़ के हालात में सुधार होगा। तो मेरी यही अपील है कि जिन लोगों के लिए स्कीमें शुरू की गई हैं उसको, उसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी बने जो मॉनिटर करे कि उसका फ़ायदा सही तौर पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचे। इस वक्त सेंटर ने ऐलान किया है स्कीमों का, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है जो ऐलान हुआ है उस पर अमल दरामद पूरे तरीके से इंसाफ के साथ होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो अक़लियतों के बच्चे हैं स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं उनको अगर वजीफ़ा सही तरीके से पहुँच जाए तो उनकी तालीम अधूरी नहीं रहने पाएगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, वो मुलाजमत के लिए इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, उनको मुलाजमतें नहीं मिल पा रही हैं। अगर उनकी मुलाजमत के लिए सहूलत मुहैया करा दी जाए और उनको मुलाजमत आसानी के साथ मिल जाए तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम होगा। सरकार की तरफ से माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीमें नाफिस की गई हैं तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का एक बेहतरीन कदम है। और सरकार से हमारी ये उम्मीद भी है कि सरकार माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर कुछ अच्छी स्कीमें नाफिस करेगी, जिसका फ़ायदा मुसलमान जो नौजवान तबका है, जो बेरोज़गार है, जिनके पास रोज़गार के अवसर नहीं है, उनको प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है कि इस फैसले का सभी लोगों को वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इस चीज़ को भी सरकार को ख्याल रखना है कि इन स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन ज़मीन पर सही तरीके से हो सके। ऐसा ना हो कि फ़ंड माइनॉरिटीज़ के नाम पर आए और फिर वो वापस चला जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरफ अगर सरकार गौर कर लेगी तो ये जो स्कीमें नाफिस की गई हैं उनका अच्छा रिजल्ट सामने आ सकता है। केंद्र सरकार के फैसले का आजमगढ़ के अल्पसंख्यक समुदाय ने स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों में अल्पसंख्यकों को कई नई सौगातें दी हैं।
कौशल विकास के जरिए प्रशिक्षण देने के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय में विशेष तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। आजमगढ़ के अल्पसंख्यक बाहुल्य सराय मीर निवासी आसिम खान, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में 165वीं रैंक हासिल की है, कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ापन दिखाई देता है। केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है उसकी हम सराहना करते हैं और इससे आने वाले समय में अल्पसंख्यक समुदाय को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो अभी सरकार ने इसको माइनॉरिटी वेलफेयर जो प्रोग्राम था 14-point प्रोग्राम पहले से चल रहा था उसको एक्सटेंड किया है 308 जिलों में, तो उससे जाहिर है फायदा मिलेगा, शिक्षा में भी मिलेगा, हेल्थ में भी मिलेगा और बाकी दूसरी जरूरत में भी मिलेगा। और उसमें स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जिससे युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। का ये फैसला सराहनीय है, हम इसका स्वागत करते हैं। माननीय मोदी जी के इस फैसले से अल्पसंख्यक के जो लोग दबे कुचले हैं, जो तालीम पैसे के कमी की वजह से जिनका शिक्षा और इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है, इस स्कीम से उनको लाभ मिलेगा और ये एक सराहनीय कदम है। कन्नौज में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी न रह जाए, इसको लेकर प्रदेश सरकार ने डिजिटल माध्यम से आशा बहुओं पर निगरानी रखने के लिए आशा संगनी नाम के ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप के माध्यम से आशा बहुओं के काम की निगरानी आसानी से हो सकेगी, गरीब महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिलेगा और आशा बहुओं को भी अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस ऐप को संचालित करने के लिए आशा बहुओं को एंड्रॉयड फोन दिए जाएंगे जिससे किए गए कार्यों को अपलोड कर सकें और जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक उनकी निगरानी की जा सके। इससे पेपर वर्क भी कम होगा और सभी पर नजर रखी जा सकेगी। इस स्मार्टफोन से जो हम लोग को मिलेगा इससे हमें काफ़ी फायदा है। एक तो समय का बचत होगा, दूसरी बात अभी जो हम लिखित पेपर पे दे रहे थे तो वो BCPM को जमा कर रहे थे, BCPM के पास BCPM इस तरह से जिले के स्तर पर जाता था, लेकिन अब जो ये हमको मोबाइल मिल रहा है इसके जरिए हमें डाटा मेरा डायरेक्ट जाएगा, जो भी काम करेंगे उसमें समय का भी बचत होगा और हमारे काम भी दिखेगा और जिला और प्रदेश हर जगह मतलब पहुँचेगा। तो इस समय अब जो हमें ये मोबाइल मिले हैं इन पे करूंगी तो उससे मेरा मतलब समय आशाओं का बचेगा, क्योंकि लिखने पढ़ने में थोड़ी आशाएं वीक हैं और इसमें सब मतलब मोबाइल में फीड है उस पे ही डाटा करना होगा, तो वो लिखा हुआ जो है उसी पे मतलब जो रिपोर्टिंग करेंगी मैं उस पे सिर्फ क्लिक करना होगा। मैं काम देखूंगी कि वो 10 कार्यों में कितने कार्य में सक्रिय है, वो मैं रिपोर्टिंग करूंगी उनका और सर उसमें मेरा भी समय बचत होगा और इसके लिए मुझे पब्लिक को काफी सपोर्ट करने के लिए समय बचेगा, मैं अच्छे से गांव का भ्रमण कर सकूंगी इसमें। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए 21-22 फरवरी को लखनऊ में हुई इन्वेस्टर्स समिट का लाभ बरेली जनपद को मिलता हुआ दिख रहा है। 1800 करोड़ रूपये साइन हुए MOU में बरेली के उद्योगपति कदम आगे बढ़ा चुके हैं। बरेली में 38 प्रोजेक्ट पर समझौते किए गए थे जिनमें 2 माह के अंदर ही 10 प्रोजेक्ट फाइल हो गए हैं। उद्यमी 463 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। समिट में 66 उद्यमियों ने 2734 करोड़ रुपए के MOU साइन किए थे। सरकार के प्रयास से कुछ उद्योगपति अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने की स्थिति में आ गए हैं, बाकी प्रोजेक्ट भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि जब इन्वेस्टर समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट में लगभग 38 प्रोजेक्ट हमारे लगभग 1800 करोड़ के वो प्रस्तुत किए गए थे। उन सभी प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट्स में अभी काम शुरू हो गया है वर्तमान में, जिसमें प्रथम फेज में हमारा मैसर्स BL एग्रो इंडस्ट्रीज जिनका लगभग 323 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उनका काम शुरू हो गया। उनके 4 परियोजनाएं थी, 4 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाओं में उनके वर्तमान में काम शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त करतार सन से एक परसाखेड़ा में एक स्टेशनरी का यूनिट है लगभग 20 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट है, वो यूनिट अपने फाइनल स्टेज पर है, उस यूनिट का काम भी लगभग पूर्ण हो चुका है, बहुत वो भी जो है वर्किंग स्टेज में आ गई है। इस UP में जो है बिजनेस की ग्रोथ बढ़ रही है, नई इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और ये सब कुछ मतलब सरकार की मंशा बहुत ज़्यादा पारदर्शिता और स्पष्ट व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो हमारा प्रोजेक्ट लगभग 20 करोड़ रुपए का है और इसमें हम प्रिंटिंग एंड लैमिनेटेड का काम शुरू कर रहे हैं। हमारा काम तो इनिशियल स्टेज है, स्टार्ट हो चुका। बरेली जनपद से जुड़ी हुई इस खबर के साथ ही ये समाचार यहीं पर समाप्त हुए।